हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कस्टम रिंगटोन्स है, तो कस्टम रिंगटोन्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, यानी आप कैसे आप फ़ोन के ऐप्स को हाइड कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन ऐप्स को आप हाइड कैसे कर सकते हैं और किसी भी ऐप्स को हाइड करके कैसे छिपा सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप्स को हाइड कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर आपकी फ़ोन की सेटिंग्स से कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास इसमें ऑप्शन आता है कि ऐप्स को हाइड कैसे करें। तो सिंपली आपके पास ये ऑप्शन आ गया, होम स्क्रीन सेटिंग्स। तो होम स्क्रीन सेटिंग्स पे जाकर आपको स्लाइड करना है, तो हाइड ऐप सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। और जिस भी ऐप्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं ऐप्स को। तो देख सकते हैं कि ऐप्स को आप हाइड करना चाहते हैं, पहले तो सेलेक्ट कर लेना ऐप्स को कुछ इस तरीके से। डन करते ही आपके फ़ोन के ऐप्स हाइड हो जाएंगे और छिप जाएंगे और आपके फ़ोन की गैलरी पे शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ऐप्स को आप छिपा सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं इनको वापस स्क्रीन पे शो करना चाहें तो कर सकते हैं, बस आप स्क्रीन पे टैप करना है और सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर आप होम स्क्रीन सेटिंग्स पे चले जाएंगे, जहाँ से हाइडिंग सेटिंग्स पे जाकर ऐप्स को आप अनहाइड कर सकते हैं और स्क्रीन में वापस शो कर सकते हैं। डन कर दें, स्क्रीन में ऐप्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऐप्स को हाइड करके शो कर सकते हैं, आप शो भी कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी था।